बालवीर, बालपरी, बालवीर, बालपरी, बालवीर, बालपरी। क्या हुआ वृक्षराज? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चों को वीर लोक में शरण दे दें, क्योंकि धरती लोक में तो पेड़ों को काटा जा रहा है। अगर मेरे बच्चे वहाँ बड़े हुए तो एक दिन उन्हें भी काट दिया जाएगा। लेकिन वृक्षराज, अगर आपकी तरह सारे पेड़ पौधे धरती लोक छोड़कर वीर लोक में शरण लेने आ गए तो धरती पर प्राण वायु की कमी हो जाएगी। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो मानव जाति पूरी खतरे में आ जाएगी। लेकिन ऐसे इंसानों की चिंता करने का क्या फायदा जो दुनिया भर के पेड़ों को काटते जा रहे हैं। वृक्षराज, आप उस पर विश्वास कीजिए कि मैं धरती के लोगों और बच्चों को समझाऊंगा कि बिना पेड़ पौधों के उनका भविष्य संभव नहीं है। ठीक है बालवीर, बच्चे तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुमसे प्यार करते हैं। मुझे विश्वास है वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। बालवीर, धरती पर अगर पेड़ इसी तरह से कटते रहे तो एक और मुसीबत खड़ी हो सकती है। कैसी समस्या माँ? पाताल राजा, धरती की बढ़ती हुई जहरीली हवा पाकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और वो धरती की गहराई से निकलकर बाहर आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। धरती के नीचे भी एक दुनिया है, वहां क्या होता है? धरती के गर्भ में पाताल लोक बसा हुआ है जिस पर पाताल राजा का राज चलता है। इसके अलावा पाताल लोक के बारे में हमारे पास कोई और जानकारी नहीं है। हाँ विवान, लेकिन आप सब चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक योजना है जिससे धरती पर पेड़ों की संख्या भी बढ़ेगी और पाताल राजा भी पाताल लोक से बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन बालवीर, मुझे एक चिंता और है। ये खबर तिमनासा को भी जरूर होगी, और अगर तिमनासा पाताल राजा के साथ मिल गई तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तैयार हो जाओ एक बहुत ही अनोखा और खतरनाक खेल देखने के लिए। देखना चाहोगे? हाँ। तो खेल शुरू होता है अब। जगह तो बिल्कुल धरती लोक जैसी ही दिख रही है। देखने में तो बिल्ली भी शेर जैसी दिखती है। तौबा तौबा, मगर बिल्ली को पाल सकते हो और अगर शेर को पाला तो शेर उसको फाड़ कर खा जाएगा। बिल्कुल सही कहा, ये जगह देखने में तो भारत नगर की तरह लगती है, लेकिन है ये असल में पाताल लोक है। यहाँ के लोग तो बिल्कुल भारत नगर वासियों जैसे ही दिख रहे हैं। ये लोग हमें घूर क्यों रहे हैं? और ये क्या, ये काले कपड़े में किसका मातम मना रहे हैं? यहाँ पाताल लोक में एक बुरी दुनिया बसती है जहाँ हर किसी का एक बुरा रूप भी है।
अब देखना कैसे मेरे जाल में सब लोग फंसेंगे और मरेंगे। सर झुकाओगे तो जिंदा रहोगे। पतंग राजा की जय हो। भैरानी की जय हो। भैरानी तिम्नासा, इतने वर्षों के बाद पाताल लोक में स्वागत है तुम्हारा। मिलकर खुशी हुए। मैं जानती थी कि मेरा स्वागत होगा। मुझे देखकर तुम्हें खुशी होगी और मेरा काम भी जरूर पूरा होगा पाताल राजा। तुम्हारा हर इशारा मेरे लिए हुक्म होगा तिम्नासा। अब बताओ तिम्नासा, अच्छाई का कौन सा पहाड़ तुम पर टूट पड़ा है जो तुम मुझसे मदद मांगने आए हो? कहीं उन दो बच्चों को हराने के लिए तुम्हें मेरी मदद तो नहीं चाहिए? तिम्नासा जितना नजर आती है उससे कहीं ज्यादा चालाक है। मेरी हर बात के पीछे कई मतलब होते हैं और मेरी हर चाल के पीछे कई जाल होते हैं। ये पढ़ सही है। ये जगह की लकड़ियां चुरा के हमें बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन जब यहाँ के पेड़ खत्म हो जाएंगे तब क्या करेंगे? तो फिर किसी दूसरे जगह की लकड़ी चुरा के काटेंगे। अच्छा, तो ये है वो ट्री चोर। अच्छा हुआ हम यहाँ छुप कर पहरेदारी कर रहे हैं। चलो आरी निकालो फटाफट। होल्ड इट! ये कौन है? ये इतने सारे बच्चे इतनी रात को? मिस्टर चोर, आप ये पेड़ नहीं काट सकते। ए पप्पू लोग, हम लोग चोर हैं, किसी रेस्टोरेंट के वेटर नहीं। कि तुम लोगों ने ऑर्डर दिया और हम पूरा कर देंगे। निकलो यहाँ से। अंकल प्लीज समझिए कि एक पेड़ को काटना जैसे कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट काटने जैसा होता है। और वैसे भी एक पेड़ एक साल में इतना ऑक्सीजन पैदा करता है जिससे 10 लोग 365 दिन तक सांस ले सकते हैं। ऊपर से ट्रीज हमें फ्रूट्स भी तो देते हैं। हाँ, और पेड़ के ठंडक के कारण बारिश भी तो होती है। हाँ। अरे बंद करो ये लेक्चर और भागो यहाँ से, या तो इसी आरी से तुम लोगों की टांगे काट देंगे हम। खुशी सुतली, मुझे लगता है ये हमें हल्के में ले रहा है। हाँ ले रहे तो क्या करोगे? क्या हुआ बच्चों? कुछ नहीं बालवीर जी, वो हम लोग गलती से मिस्टेक करने जा रहे थे। अच्छा हो इधर आप आ गए। हम अपनी मिस्टेक सुधार लेंगे और पेड़ काटने की जगह हम खुद काट लेते हैं। चलो चल निकल। चलो भाई। अरे 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 अरे, कहाँ भागे जा रहे? अपनी आरी तो लेकर जाओ। अरे हमें माफ कर दो बालवीर, आगे से इस एरिया के पेड़ तो क्या अपने सिर के बाल और उंगली के नाखून भी नहीं काटेंगे। <भी जारा। laughs>
बहुत अच्छे बच्चे, आज तुम सबने एक योद्धा की तरह इस पेड़ की रक्षा की। अगर तुम्हारी तरह दुनिया का हर बच्चा पेड़ों की सुरक्षा करने लग जाए तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, कितनी हरी भरी हो जाएगी। बालवीर, क्यों ना आप ये संदेश दुनिया के हर बच्चे को पहुंचा दो और वो तो आपकी बात भी मान लेंगे। सुझाव बुरा नहीं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी धरती पर तेजी से पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। इस सब को रोकने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, हमें पेड़ों की संख्या बढ़ानी होगी और इसीलिए मैं एक बहुत बड़े वृक्षारोपण कार्यक्रम को आयोजित करना चाहता हूँ, एक ग्रीन ड्राइव को शुरू करना चाहता हूँ। मरीन ड्राइव तो पता है, ये ग्रीन ड्राइव क्या है? ग्रीन ड्राइव, दुनिया का हर बच्चा अपने घर के पास 2 पौधे लगाएगा और साथ ही साथ आप बालवीर की तरफ से इसे गिफ्ट भी मान सकते हैं, जिसे आपको संभाल के रखना होगा। बाय। ओह सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल अपील कर रहा था। और दोस्तों, और अगर आपने प्लांट्स का ध्यान नहीं रखा ना तो बालवीर बुरा मान जाएंगे। बाय बाय। और हाँ, और फ्रेंड्स, ये मत भूलना कि अगर पेड़ नहीं होंगे तब ह्यूमन ही नहीं होंगे। बाय। सॉरी बालवीर, बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है ना। कोई बात नहीं। सुना ना आप सबने, ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक जरूरी बात, इसकी शुरुआत कल दोपहर 3 बजे से होगी, जब मैं आपको आपके स्पेशल प्लांट गिफ्ट करूंगा। तो तैयार हो जाइए। यस बालवीर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पेड़ है तो लाइफ है। बालवीर, आई थिंक ये ग्रीन ड्राइव शुरू करने से पहले हमें एक बहुत अच्छा केक तैयार करना चाहिए। हाँ, नीट आइडिया सुतली। जो बच्चे पेड़ लगाने के नाम से एक्साइटेड नहीं होंगे वो केक के नाम से जरूर एक्साइटेड हो जाएंगे। देख लिया पाताल राजा के पहाड़ मेरे ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर गिरने वाला है। वो देखो, धरती पर फैली जहरीली हवा और प्रदूषण ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। अगर बालवीर के लगाए पौधे पेड़ बन गए तो तुम्हारे पाताल लोक की प्रजा घुट घुट कर मर जाएगी। लेकिन मैं बालवीर की इस योजना को असफल कर सकती हूँ। कैसे? ये पाताल लोक की चाबी है। अब तुम जब चाहे यहां आ सकती हो तिम्नासा। भैमार, क्या तुम मेरी इस योजना का अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो? आ गए हैं आपके शहर में पहली बार दरबार एक खेल की दुकान। आइए 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 आइए। अरे आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ। पॉपकॉर्न, कॉटन कैंडीज, खिलौने, जीत जाओगे अगर तो ये सब मिलेगी इनाम। अरे सोच क्या रहे हो मेरी जान, व्हाई आर यू थिंकिंग? प्ले प्ले प्ले। अरे दरबार खेल कूद कॉर्नर। आओ बच्चों, आओ आओ आओ। लेकिन अंकल, इसके लिए तो टिकट लगेगी ना? हाँ टिकट तो लगेगी बेटा, पर क्या है ना कि आप हमारे पहले कस्टमर हो, इसलिए आप खेल सकते हो। पैसे बांग दे देना, उधार रहे। थैंक यू अंकल, चलो फ्रेंड्स चलते हैं। हाँ। अब नो नो किड्स, उधार या क्रेडिट में कोई काम नहीं करना चाहिए।
लेकिन अनन्या दीदी, बैंकिंग सिस्टम तो क्रेडिट पर ही चलता है, और अगर हर काम कैश से करेंगे तो दुनिया की इकोनॉमिक्स रुक जाएगी। ओ हेलो रिंकू, ये अपने इकोनॉमिक्स का ज्ञान ना अपने स्कूल में जाके बोलना, अभी चुप रहो। अरे दीदी, सिस्टर खेलने दो ना। अरे बच्चे खेलेंगे तो आपका क्या जाएगा? अरे बच्चे खेलेंगे तो उन्हें मजा आएगी। उन्हें मजा आएगा, बच्चे ही नहीं खेलेंगे तो हमारी ये दुकान नगर के क्या फायदा। वेल सेड अंकल। अनन्या दीदी, खेलने दीजिए ना। प्लीज अनन्या दीदी, प्लीज खेलने दीजिए, प्लीज प्लीज दीदी। अच्छा ओके, जाओ तुम लोग खेलो, मैं कैश विड्रॉ करवा के आती हूँ। सिस्टर, अब आप जा ही रही हैं तो जाते जाते हमारा एक गिफ्ट लेती जाइए। ओ हेलो, मैंने बोला ना मैं उधारी में कुछ नहीं लेती। ये ले लो अनन्या, ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। 20 रुपए की कॉटन कैंडी देकर 200 रुपए की टिकट खरीदवाना चाहते हैं तुमसे, ले लीजिए। ओके, मैं कैश लेके आती हूँ, तब तक तुम बच्चों का ध्यान रखना। क्या खेल रहे हो बच्चों? भाई राजा, कहीं बालवीर ने हमें पहचान तो नहीं लिया? घबराओ मत, तौबा तौबा, तिमनासा ने हमारे ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा लिया है, कोई नहीं पहचान पाएगा, कोई भी नहीं। भैमार ने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब बाकी का काम पाताल लोक की चाबी पूरा करेगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पाताल राजा ने हमें निर्देश दिया है कि भैरानी की योजना के अनुसार काम करना है। बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? वीर लोक का रास्ता और उस विस्फोटक का चित्र मैंने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है, अब तुम तैयार हो विनाश करने के लिए। जाओ और जाकर सबका सर्वनाश कर दो और खुश करो अपनी भैरानी को। एक मिनट, पैसे निकालने के लिए एटीएम तक जाने की क्या जरूरत है? मैजिक से अपने बैंक अकाउंट से यहीं पे पैसे निकाल लेती हूँ ना। ये ड्रोन किसने भेजा है यहाँ पे? इस यंत्र को लेकर जब तुम वीर लोग जाओगी तो तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा, सबको यही लगेगा कि तुम पाताल लोक से नहीं बल्कि धरती लोक से आई हो। ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में सुना था, मैजिकल बैंकिंग मैं करना जानती हूँ, लेकिन ये लेजर बैंक के कहाँ से आ गए मार्केट में?
और ये रही मेरी पहली चाल, ये गई अच्छी अनन्या पाताल लोक और बुरी अनन्या धरती लोक। ये कौन सी जगह है?